स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं बनाने वाली हूँ लंच या डिनर की एक ऐसी झटपट वाली रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बनेगी और टेस्ट में एकदम गजब है। तो वीडियो अगर आपको देखने के बाद में पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए चावलों से लेमन राइस। ये साउथ इंडियन एक डिश है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें ग्राउंड नट डालेंगे और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसालों के साथ में जब हम ग्राउंड नट को रोस्ट करते हैं तो क्या होता है, अक्सर वो भुनते नहीं है, अच्छे से पक नहीं पाते अंदर तक, और उसके बाद में वो कच्चे कच्चे फील होते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इन्हें क्रिस्पी कर लिया है, इन्हें साइड में अब ये निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी राई, जिसको अच्छे से क्रैकल कर लेंगे, और उसके बाद में एक चम्मच चना दाल डाल देंगे और एक चम्मच इसमें डाल दूंगी मैं उड़द दाल। साउथ इंडियन जो कुजीन होती है उनमें चना दाल और उड़द दाल का इस तरीके से तड़का बहुत दिया जाता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। इन्हें हल्का सा पका लेंगे, जरा सा ही, बहुत कुछ नहीं पकाना है इसमें। और उसके बाद में दो सूखी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है, हल्का सा इन्हें भी भून लेंगे। सारी प्रोसेस हम लो फ्लेम पे करेंगे। उसके बाद में साथ साथ करी पत्ता, दो कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से नारियल के फ्लेक्स और अदरक को मैंने काफी बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, ओनली अदरक डाल रही हूँ। हल्का सा इनको पका लेंगे और उसके बाद में एक चम्मच डाल देंगे हम इसमें तिल। जस्ट इनका थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, बस इतना ही करना है। बिल्कुल जरा सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। एक लेमन को मैं स्क्वीज करके ले लूंगी और इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक चावलों में अगर आपने पहले से डाला हुआ है तो कम ही नमक डालें, और अगर आप बिना नमक डाले चावल बनाते हैं तब आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में बचे हुए चावल हैं तो इनको मैं डाल दूंगी इसमें, और उसके बाद में क्या करना है, जो लेमन का जूस हमने निकाल के रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो एक लेमन का जूस आसानी से इसमें जाएगा। इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। बहुत ही झटपट और क्विक सी रेसिपी है, लंच या डिनर के लिए बिल्कुल झंझट फ्री खाना है आपको, जब भी मन करे बनाए, और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर लगता है। इसमें जो मैंने मूंगफली को सेक के रखा हुआ था वो डाल दिया, और यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया। लेमन राइस आपके बनके तैयार है। बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे इस रेसिपी को। कभी आपका भी ऐसा होता है ना, हल्का फुल्का खाने का मन है, कुछ ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहते हैं, या सुबह हैवी खा लिया और शाम को नहीं खाना चाहते, तो इस तरीके से हल्के फुल्के ये लेमन राइस बनाएं। और कमेंट करके मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।